Hi everyone, welcome back to my channel Becoming Proactive with Soumya Agarwal. So this time I'm with some revision, that is revision of CA Final Law, and we are going to start with chapter number 1, Appointment and Qualifications of Directors. Now before starting with the revision, मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो भी स्टडी मटेरियल है ना, जो दैट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम May 22 ऑनवर्ड्स, मैं वो यूज़ कर रही हूँ, ठीक है ना. बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग हर एक लाइन जो है स्टडी मटेरियल की उसको रीड करें, एंड एग्जाम से पहले बहुत ही जल्दी हम लोगों को रिवाइज करना होता है. बिकॉज यू डोंट हैव यू विल नॉट हैव टाइम, है ना. ऑडिट के पेपर देने के बाद में लॉ का पेपर जो होगा तो 1.5 डे में रिविजन करना होगा. तो उसके लिए इट इज़ वेरी वेरी रिकमेंडेड कि जो स्टडी मटेरियल है उसी को ही बार बार रिवाइज पहले ही कर लिया जाए. सो टू हेल्प यू इन दैट ओनली आई एम विद दिस वीडियोज. प्रोबेबली 3 वीडियोज़ में कम्प्लीट हो जाना चाहिए. बाकी मेरे को ये आज रिकॉर्ड करके आइडिया हो जाएगा कि मुझको और कितने पार्ट्स लग सकते हैं, ठीक है. तो मैं क्या करूँगी, सेक्शन वाइज आई विल डू, ठीक है ना. तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अपना सेक्शन नंबर 149, 150 और 151, एंड देन वील कंटिन्यू विद द फर्दर पार्ट इन द नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है. तो आप लोग फटाफट से अपना जो भी रेलेवेंट मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो खोल सकते हो, बट मेक श्योर कि स्टडी मटेरियल भी ओपन हो, ठीक है. एंड इन May 22 एंड ऑनवर्ड्स है, दैट मीन्स इफ़ यू आर वॉचिंग इट इन 23 और 24 ऑल्सो, तो बेटर ये रहेगा कि अपने रेलेवेंट अमेंडमेंट्स को पढ़ो एंड इनको यूज़ कर लो. बिकॉज कुछ ऐसा लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं आएगा, इधर वो कुछ ऐड कर देंगे या डिलीट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा कि पूरा का पूरा चैप्टर ही चेंज हुआ, ऐसा बहुत रेयर होगा, ठीक है ना. So you can use these videos if you are watching it in 23 or 24 also, okay. So without any further ado, let's get started. First of all though, what are board of directors? Board of directors कौन होते हैं? Collective body होती है directors की, ठीक है. तो जो director होता है वो appoint होता है to the board of the company. डायरेक्टर्स कौन होते हैं? वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं, क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. इसलिए अब कंपनी तो खुद चल के जाएगी नहीं और साइन करेगी नहीं, तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिकमेंडेड कि वो कोई ह्यूमंस उसको मैनेज करें. तो फॉर दैट वी हैव डायरेक्टर्स, ठीक है. तो बहुत सारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो ओनर्स होते हैं कंपनी के पास में, लेकिन जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाता है तो फाइट होने लग जाएगी ना कि मेरे पास भी शेयर है, मैं भी ओनर हूँ, तुम्हारे पास शेयर है, तुम भी ओनर हो. तो इसलिए इसका चार्ज लेने के लिए, मिस मैनेजमेंट को बचाने के लिए बेसिकली देयर इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है. तो ये जो डायरेक्टर्स हैं ये कितने होने चाहिए, अब ये भी बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए. जो एक कलेक्टिव यू कैन से ग्रुप होता है डायरेक्टर्स को, उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है. अब ये शेयर होल्डर्स में से भी हम इलेक्ट कर सकते हैं एंड आउटसाइडर्स भी हो सकते हैं. अच्छा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, मैं बहुत फटाफट लेकर जा रही हूँ क्योंकि यू नो रिकमेंडेड है कि आप लास्ट मंथ में यूज़ करो, ठीक है. तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको करा रही हूँ, मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगी कुछ भी, ठीक है. अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्टर्स ट्रस्टीज़ कैसे हैं और प्रिंसिपल कैसे हैं. तो प्रिंसिपल वो ऐसे हैं क्योंकि यहाँ पे एक प्रिंसिपल और एक एजेंट वाला रिलेशन हो जाता है. बहुत बार ऐसा होता है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी के बिहाफ पे ही काम करते हैं, ठीक है. तो क्योंकि वो कंपनी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं तो उस केस में वी विल ट्रीट कंपनी एज प्रिंसिपल और डायरेक्टर्स को वी विल ट्रीट एज एजेंट, ठीक है ना. और कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कंपनी ही प्रिंसिपल और एजेंट बन जाती है, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम डेलीगेशन नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे केस में जो डायरेक्टर्स हैं वो एजेंट बन जाते हैं कंपनी के. इट मे बी नोटेड कि जहाँ पे भी डायरेक्टर्स एम्पावर्ड होते हैं सर्टेन डिसीजंस के लिए, द कंपनी कैन नॉट निगेट देम और इशू डायरेक्शंस टू द डायरेक्टर्स डायरेक्टिंग देम टू गो फॉर पर्टिकुलर डिसीजन, एक्सेप्ट दैट इट मे रिप्लेस द डायरेक्टर्स विद वन ऑफ इट्स चॉइस. तो मतलब कंपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, ऑफकोर्स द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो आपस में ही रेजोल्यूशन पास करके ये डिसाइड करेंगे कौन सा डायरेक्टर क्या करेगा. लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते कि हम किसी भी डायरेक्टर को कोई भी पर्टिकुलर डिसीजन लेने से यू नो रोक दें उसको, ठीक है. हम लोग रोक नहीं सकते हैं, हाँ बस ऐसा हो सकता है कि जो हम उसमें कुछ डिसीजंस में ऐसे रेजोल्यूशंस लगा सकते हैं कि यहाँ पे अगर इतने लोगों ने यू नो उसे अग्री कर लिया तो ये डिसीजन पास होगा वरना नहीं होगा, ठीक है. साथ ही में हम इसको ट्रस्टीज़ भी इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जो डायरेक्टर्स हैं वो कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मनी है, ट्रेड सीक्रेट है, उसकी केयर करते हैं.
ट्रस्टीज के साथ में एक कीवर्ड है, इसको आप हाईलाइट कर लो, फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है कंपनी के साथ में, और अगर ये टूट गया तो कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बिकॉज डायरेक्टर्स के पास में कंपनी के सारे सीक्रेट्स होते हैं, ठीक है। इसलिए डायरेक्टर्स जो हैं उनको हम ट्रस्टी भी कह सकते हैं, एंड जो ऑफिस है डायरेक्टरशिप का उसको ऑफिस ऑफ ट्रस्ट भी कहते हैं, ठीक है। डायरेक्टर को हम कभी कभी ऑफिसर भी कहते हैं, क्योंकि एक ऑफिसर जो है वो एम्प्लॉय भी होता है, तो डायरेक्टर भी एम्प्लॉय हो सकता है। ऑफ कोर्स हम जो भी कंडीशंस हैं, जो भी प्रोविजंस ने कहा है कंपनी साहब के, उसके साथ में वी विल कंप्लाई। जो कलेक्टिव बॉडी होती है उसको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, या सिंपली हम बोर्ड भी बोलते हैं। अब ये जब मैं बता रही थी, तो हो सकता है किसी के माइंड में क्वेश्चन आया हो कि ये जो डिसीजन है ये किस हिसाब से होते हैं। तो ये डिसीजन कभी भी कोई भी अकेले नहीं लेता, ठीक है, ये पूरा का पूरा बोर्ड लेता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी एक बंदे के पास में अथॉरिटी है, कोरम होता है कि इतने लोग प्रेजेंट हैं तो हम मीटिंग करेंगे, एंड उसी के अकॉर्डिंग फिर कलेक्टिव डिसीजंस लिया जाता है। दैट मींस जो यहाँ पे बात हो रही है कि एजेंट की तरह काम करते हैं डायरेक्टर, तो वो कोई एक डायरेक्टर नहीं होता, वो हमेशा बोर्ड का डिसीजन होता है। एक और पॉइंट है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो हमेशा इंडिविजुअल होंगे। अगर मैं बोलूं कि HUF है या फिर पार्टनरशिप फॉर्म है, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा एक इंडिविजुअल ही डायरेक्टर होगा, ठीक है, यानी कि मैं, आप या और कोई भी शेयर होल्डर या आउटसाइडर, ठीक है। तो कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, जैसे कि आपका बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, फॉर्म हो गया, ये लोग डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब जो आपका सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 1 है वो बात करता है कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कंपनी टू हैव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो फर्स्ट वाला सबसेक्शन है दैट टॉक्स अबाउट कि कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो अगर वो पब्लिक कंपनी है तो 3, प्राइवेट कंपनी है तो 2, और 1 पर्सन कंपनी है तो 1 डायरेक्टर होना चाहिए। तो बेसिकली PPO 3-2-1, ठीक है। मैक्सिमम डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। हालांकि ये जो मैक्सिमम है ना, ये जो मैक्सिमम है ये इंक्रीज भी हो सकता है एक SR पास करके, ठीक है। लेकिन कुछ इसमें एग्जम्पशंस हैं, और वो एग्जम्पशंस ये हैं कि इन दोनों कंपनीज को अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं तो इनको कोई भी SR पास नहीं करना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ना लिख सकते हो कि किस बात की एग्जम्पशन है, क्योंकि होगा क्या ना, जब सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लोगे तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि किस बात की एग्जम्पशन है। तो बेटर ये होगा कि लिख लो कि एग्जम्पशन किस बात की है कि उनको SR पास नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके अच्छा, वो दो कंपनीज हैं कौन सी? वो दो कंपनीज है गवर्नमेंट कंपनी और आपकी है सेक्शन 8 कंपनी। लेकिन इन दोनों पे भी एक कंडीशन ये है कि जो गवर्नमेंट कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी है उसने कंप्लाई कर रखा हो सेक्शन नंबर 137 और सेक्शन नंबर 92 के साथ में। 137 क्या बोलता है? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल करो। सेक्शन नंबर 92 क्या बोलता है? अपनी एनुअल रिटर्न को फाइल करो रजिस्ट्रार के पास में। तो ये भी गलती हो सकती है। क्या गलती हो सकती है कि हम लोग 137 जो है वो एनुअल रिटर्न के लिए लिखा है और 92 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए लिखा है। तो प्लीज़ इस बात को भी आप लोग हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। जो आपका नेक्स्ट इसमें पार्ट है वो बात करता है वुमेन डायरेक्टर का। सेकेंड प्रोविजन जो है 149 सबसेक्शन 1 का, वो बोलता है एक लेडी, एक महिला होनी चाहिए डायरेक्टर में, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या है, ये प्रोविजन भी दो कैटेगरीज में एप्लीकेबल है। एक तो सारी की सारी लिस्टेड कंपनी को, और उन पब्लिक कंपनी को, उन अनलिस्टेड कंपनीज को जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल या तो 100 करोड़ है या उससे ज़्यादा है, या फिर और नॉट एंड टर्न ओवर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 करोड़, ठीक है। तो इन वाली जो दो ऐसी कंपनीज हैं, यहाँ पे कम से कम एक वेमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाली जो हम पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर देखेंगे, ये हम देखेंगे लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, यानी कि जो सबसे ताज़ा वाले ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उसके। अगर वहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उस केस में एक इंडिविजुअल डायरेक्टर तो होनी ही चाहिए,
ठीक है, इस पर्पस के लिए जो विमेन डायरेक्टर है वो हम देखेंगे। हाँ, और जो न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज का मतलब क्या हुआ, जो कंपनीज इस एक्ट के विच हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट एंड इज कवर्ड बाय द प्रोविजंस रिक्वायरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ विमेन डायरेक्टर शेल कंप्लाई विद सच प्रोविजंस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जो नई नवेली कंपनीज आई हैं, ठीक है, जो नई नवेली कंपनीज आई हैं उनको 6 महीने के अंदर अंदर इस प्रोविजन के साथ में कंप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका विमेन डायरेक्टर का कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद में हमारी जो है वो बात होगी कि अगर वैकेंसी हो गई, दैट मीन्स विमेन डायरेक्टर की डेथ हो गई या उन्होंने रिजाइन कर दिया, उस केस में क्या होगा। उस केस में ये होगा कि जो इमिजिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी या फिर 3 महीने के बाद जो मीटिंग होगी, सपोज इस वाले केस में ऐसा हुआ था कि 17 को शीतल जो थी उसकी एकदम से डेथ हो गई, ठीक है, तो अब यहाँ पे आ गई वैकेंसी क्योंकि एक ही बेचारी डायरेक्टर थी एंड वो भी राम को प्यारी हो गई। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अब नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हमारी कब है, 25 जून को ही है। अब वो 17 मार्च को मरी है और 25 जून को क्या हुआ है, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि तब तक हो ही जाए अरेंज, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसमें दूसरी कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या है, 3 महीने। अब 3 महीने देखिए आप, 3 महीने 17 मार्च से अगर आप लेके चलें तो 16 जून तक हो रहे हैं 3 महीने। तो फिर इन दोनों में से जो भी लेटर होगा, इन दोनों में से जो भी लेटर होगा, दैट मीन्स हमारी बोर्ड मीटिंग जो है वो 25 जून है, तो ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है। यानी कि या तो अगली बोर्ड मीटिंग में आप अपॉइंट कर लो या फिर 3 महीने के बाद जो मीटिंग होने वाली है ना उसमें आप अपॉइंट करो, ठीक है, उस तक तो आपको करने को, तो विच एवर इज लेटर। ये जहाँ पे भी अर्लियर और लेटर है यहाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो कि सपोज आप रेडी नहीं थे एंड विमेन डायरेक्टर ने क्या करा, उनके साथ कुछ मिसहैपनिंग हो गई, ठीक है, भगवान ना करे, बट उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से उनको छोड़ना पड़े, या फिर आप ही के बीच में कुछ ऐसे कॉन्ट्रोवर्सीज हो गए जिस वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। अब ऐसे केस में आपको थोड़ा टाइम चाहिए, तो जो सबसे बाद में आएगा या तो 3 महीने बाद में आएंगे या फिर बोर्ड मीटिंग भी अगर 3 महीने के बाद है, सपोज इस केस में उल्टा होता, ठीक है, सपोज इस केस में उल्टा होता तो फिर क्या करते आप, 3 महीने वाला लेते, है ना, अगर 25 जून आपके 3 महीने बाद कंप्लीट हो रहे होते, तो जो भी बाद में होगा विच एवर इज लेटर, तो वो आपकी मैक्सिमम लिमिट है, तब तक आपको वैकेंसी फिल करनी पड़ेगी, नहीं करा तो कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा वो प्रोविजन का, ठीक है। चलो, एंड ये जो भी शीतल है ना, ये सिर्फ इस एग्जाम्पल वाली शीतल है, प्लीज़ अगर कोई शीतल इसको देख रही है तो प्लीज़ पर्सनली मत लेना, एंड अगर मैंने किसी को कुछ हर्ट किया हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में हमारा नेक्स्ट सब सेक्शन है, दैट इज सब सेक्शन नंबर 149, सब सेक्शन 3। 2 का आ गया है ही नहीं, ठीक है। तो 3 किसके बारे में बात करता है, रेसिडेंट डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर का मतलब जो कि इंडिया में है 182 डेज या उससे ज़्यादा, ठीक है, कम से कम 182 डेज तो है। तो अगर ऐसा है, एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर, कोई ऐसा डायरेक्टर तो होना ही चाहिए कंपनी में जो कि रेसिडेंट हो, ठीक है, ऐसा ना हो कि सारे के सारे डायरेक्टर्स ही भागे चले जाते हैं। अच्छा, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी का इसमें भी एक कंडीशन है, न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी में प्रोपोर्शनली हम देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अब मैं आ जाती हूँ आपके, चलो मैं ये डेफिनेशंस आपको बता देती हूँ। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो कि इंडिपेंडेंट से क्या समझ आ रहा है, इंडिपेंडेंट से समझ आ रहा है जो किसी पे डिपेंड नहीं है, दैट मीन्स वो कंपनी को क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, वो किसी के डिसीजन से इफेक्ट नहीं हो रहा है। जो स्पेसिफाइड कंपनीज है वो इकोनॉमी की बैकबोन है, और अगर जो कंपनी की देख रेख कर रहे हैं, दैट मीन्स डायरेक्टर्स ही अगर नहीं होंगे, अपने डिसीजंस नहीं लेंगे सही से, तो उस कंपनी का क्या होगा। इसलिए हमें हर तरह से कोशिश करनी है, चाहे ऑडिट रिपोर्ट हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे कंपनी को देखना हो, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट रह सकें, हमारी ओपिनियन किसी से भी इन्फ्लुएंस ना हो। इसके लिए क्या लाया गया है, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जिसका एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट होगा एंड उसको कोई भी अनड्यूली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है उसको डरा धमका के उसके डिसीजन चेंज करवा दो, इसलिए हम एक सेपरेट पर्सन को लेकर आए हैं, अदर देन नॉर्मल डायरेक्टर्स एक हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी लेकर आए हैं, ठीक है।
तो ऐसा कि इससे क्या होगा कि अगर कोई भी इलीगल डिसीजन होगा जो कि कंपनी के फेवर में ना होगा, नहीं हो सकता है, तो उस केस में क्या होगा ना, ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ये बोलेगा। एंड कई जगह ऐसा होता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिजोल्यूशन मैंडेटरी होता है, तो उससे क्या होता है ना, डबल कॉन्फिडेंस आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये लाया गया। तो ये अगर आपको आए तो आप दो चार लाइन रख लो, बूस्ट द लेवल ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंडिपेंडेंट माइंडसेट अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, और एक ये वाला कर लो कि इफ एनी डिसीजन इज नॉट लीगल और इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी दे कैन अपोज। ठीक है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर कौन होता है, जो इंटरेस्टेड होता है कंपनी में ना। इसका मतलब ये कि अगर उन्होंने किसी भी तरीके का इंटरेस्ट है उनका, फाइनेंशियल कोई भी उन्होंने ट्रांजेक्शन किया है कंपनी के साथ, तो उनको वो डिस्क्लोज करना होगा अप्रोप्रिएट फोरम में और अप्रोप्रिएट टाइम पे। ठीक है, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में दो तरीके के डायरेक्टर होते हैं। एक आपका होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जिसमें से जिसी का मतलब यू कैन से आईडी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ही है, और दूसरी कैटेगरी आपकी होती है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डे टू डे ऑपरेशंस को देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैसे कंपनी स्मूथली रन करे, जैसे कि आपका होल टाइम डायरेक्टर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, ये आपके कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन से होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होते हैं जो कि एफिशिएंट बनाते हैं कंपनी की पॉलिसीज को। प्रोफेशनल डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर्स, ये सब आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो भी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में आते हैं। ये उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन अगर इनकी मन मर्जी के सामने और इनकी कंसेंट के सामने कुछ काम हो रहा है, इनके कंसेंट से कुछ काम हो रहा है या इनकी नॉलेज में कुछ है और फिर भी इन्होंने गलत के लिए एक्शन नहीं लिया, तब हम इनको कह सकते हैं दैट दे आर लायबल फॉर दी रॉन्गफुल एक्ट्स विच आर हेल्ड विद दी कंपनी। ठीक है, तो ये सारे हैं इसमें। सो बेसिकली ये आपके डे टू डे वर्किंग ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट करते हैं, बट जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं ये क्या करते हैं, फ्रेम करते हैं पॉलिसीज को, जिससे एफिशिएंट मैनेजमेंट हो पाए कंपनी में। ठीक है, तो अभी तक हमारे कितने हो गए, हमारे अभी तक दो ही सबसेक्शंस हुए हैं, 149 सबसेक्शन 1 एंड 149 सबसेक्शन 2। 152 जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये इसमें एक्चुअली ऊपर नीचे दे रखा है ना, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकता है ये पढ़ने में, बट नो इश्यूज, हम लोग सीक्वेंस वाइज करेंगे तो उससे ईजी रहेगा। मैं जैसे जैसे बस बोल रही हूँ वैसे वैसे आप कर लो। अभी हम लोग 149 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना, रुको मैं इसको सर्च कर लेती हूँ। अब आपका जो आएगा वो आएगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से जो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इमर्ज होगा ये अभी बहुत लंबा तक जाएगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सबसेक्शन 4, 149 सबसेक्शन 4। अभी तक मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है जो कि तीन वर्ड्स बताए थे, बूस्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमी, बूस्ट द लेवल ऑफ कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है, और अनड्यूली इन्फ्लुएंस्ड है। साथ ही में क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द कंपनी, दे आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ठीक है, तो ये क्यों अपॉइंट होते हैं, जिससे कि कुछ भी अगर इफ देयर इज हैपनिंग एनी इलीगल एक्ट और इफ देयर इज एनीथिंग हैपनिंग विच मे नॉट बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, तो उसको वो लोग क्या कर सकते हैं, दे में अपोजिट। तो उसके लिए हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अब कितने होने चाहिए, क्या होने चाहिए, किस पे एप्लीकेबल है, वो चीज़ उसमें दे रखी है। ठीक है, तो वो क्या है, फॉलोइंग कंपनीज जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए है। ठीक है, अब जैसे कि अभी हम लोगों ने किया था, अब तक हम लोगों ने एक लिमिट किया था एंड दैट वॉज अबाउट विमेन डायरेक्टर। अब हम लोग किसके बारे में करें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो उसमें अगेन एक केस है लिस्टेड का और अनलिस्टेड का। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, ठीक है, उसमें क्या होना चाहिए, जितने भी डायरेक्टर्स हैं उसके 1/3, टोटल नंबर के 1/3 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए क्या है, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए ये कंडीशन है कि POT 10
50, 20, 100। इसका मतलब जो भी अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज पे क्या होना चाहिए, कम से कम 1/3 जो है डायरेक्टर्स के वो टोटल होने चाहिए। लेकिन अनलिस्टेड में क्या है, अगर पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो ग्रेटर है या इक्वल है 10 करोड़ के, जो आपके आउटस्टैंडिंग, अब यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसमें है एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट्स, लोन्स डिबेंचर्स डिपॉजिट्स। तो ओ से क्या हो सकता है, OLDD, OLDD, ठीक है। तो ये अगर ग्रेटर है, यहाँ इक्वल की कंडीशन नहीं है, अगर ये ग्रेटर है 50 करोड़ से, तो और जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, सो बेसिकली POT 10, 50, 100, और 10 में ग्रेटर और इक्वल है, 100 में ग्रेटर और इक्वल है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, अनलिस्टेड वाले में कम से कम, अगर मतलब ये कंडीशन है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एप्लीकेबल है, और इसमें कम से कम दो लोग क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। मतलब कि जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, टोटल नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें से दो डायरेक्टर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। इसी तरह से लिस्टेड में जो टोटल है उसके 1/3 क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, दैट इज एज पर सेक्शन नंबर 177 सबसेक्शन 2, वो ये है कि यहाँ पर ऑडिट कमिटी का अगर केस है तो उसमें मैक्सिमम लोग क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऑडिट कंपोजिशन जो है, ड्यू टू कंपोजिशन ऑफ ऑडिट कमिटी, अगर एक पब्लिक कंपनी है तो वो क्या करेगी, उसको फिर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हो सकती है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो एज पर सेक्शन नंबर 177 सबसेक्शन 2, ऑडिट कमिटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो कि फॉर्म कर रहे हैं मेजॉरिटी, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ये मतलब है कि जो जो भी मेजॉरिटी है ना, वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ऑडिट कमिटी के केस में मेजॉरिटी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। जैसे कि सपोज अगर ऑडिट कमिटी में 7 लोग हैं, ठीक है, तो 4 लोग क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, 4 लोग इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सपोज ऑडिट कमिटी में 7 डायरेक्टर, मेरा मतलब यहाँ लोगों से मेंबर्स नहीं है, डायरेक्टर्स है, ठीक है। तो अगर सपोज ऑडिट कमिटी में 7 पीपल हैं, तो वहाँ क्या होना चाहिए, 4 लोग क्या होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम होना चाहिए। इन्होंने बोला मिनिमम तो 3 डायरेक्टर्स हों, लेकिन मैक्सिमम, अगर सपोज जैसे 7 है, ठीक है, अब 7 में मैक्सिमम क्या हो गया, 7 में मैक्सिमम तो 4 हो गया ना, अगर मैं 3 ही लेके चलूँ तो वो तो मिनिमम ही रहेगा। दैट इज़ वाई यहाँ पे इन लोगों ने ये मेंशन स्पेसिफिकली करा है कि मिनिमम 3, लेकिन वैसे फॉर्मिंग अ मेजोरिटी, दैट मीन्स ये जो मिनिमम 3 है ना, ये मेजोरिटी होना चाहिए। अगर सपोज 8 डायरेक्टर्स हैं ऑडिट कमिटी में, तो 8 डायरेक्टर्स का मेजोरिटी क्या हो गया, 8 डायरेक्टर्स का मेजोरिटी हो गया 5, है ना। तो यही चीज़ है, लेकिन अगर आपके 5 ही डायरेक्टर्स हैं टोटल, तो उसमें ऑफ कोर्स 3 होने चाहिए। इसी तरह से अगर 4 ही आपके डायरेक्टर हैं तो उसमें भी 3 होने चाहिए, मतलब कम से कम 3, कम से कम 3। यहाँ लिख लो, बड़ा बड़ा याद नहीं आएगा वरना एग्जाम में, यहाँ पे साइड में लिख लो, कम से कम 3, बट मैक्सिमम, कम से कम 3 बट मैक्सिमम मेजोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसमें भी फिर से वही केस है कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में भी वही हो गया, कुछ मिस हैपनिंग हो गई या कुछ भी ऐसा हो गया जिसकी वजह से क्या हो गई, वैकेंसी हो गई, कुर्सी खाली हो गई, तो इस कुर्सी को फिल करने के लिए अगेन वी हैव 2 लिमिट्स, इमिजिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग या फिर 3 मिनट्स, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो इसमें भी वही कंडीशन है आपकी, फिल करने के लिए जो लिमिट है वैकेंसी को फिल करने के लिए, वो इमिजिएटली नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग है या फिर 3 मंथ्स है, ठीक है, विच एवर इज लेटर। अब उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है, ड्यूरेशंस ऑफ कंडीशंस आफ्टर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ विच नो अपॉइंटमेंट रिक्वायर्ड,
कंपनी विच वॉज ऑब्लिगेटेड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शिल नॉट बी रिक्वायर्ड टू मेक सच अपॉइंटमेंट इफ इट सीजेज एनी ऑफ द थ्री कंडीशंस. अब ये क्या कंडीशंस हैं, ये क्यों है कंडीशंस? ये कंडीशंस हैं आपकी कि आपको कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने की नीड नहीं है. सो इसमें बेसिकली आपकी तीन एक्सेप्शंस हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ओली जॉइंट वेंचर, ओली ओन सब्सिडरी और डोमेंट कंपनी. और ये जो थ्री कंडीशंस है ना, ये वो वाली है जो हमने अभी डिस्कस की थी, POT वाली. इसका मतलब ये कि अगर कंपनी ने किसी भी साल में सीज कर दिया, ठीक है, इफ इट सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ द थ्री कंडीशंस रिलेटिंग टू पेड अप शेयर कैपिटल, क्योंकि और था ना सब में, ठीक है. तो अगर क्या हुआ, अगर कोई भी सीज हो गई ना, कोई भी कंडीशन सीज हो गई फॉर थ्री कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, तो उस केस में क्या करना होगा? उस केस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन उस पर फिर एप्लीकेबल नहीं है. दैट मीन्स उसको रिक्वायरमेंट नहीं है. तो सपोज पेड अप शेयर कैपिटल में क्या था, ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 करोड़. अब एक साल में तो ऐसा हुआ, अगले साल हो सकता है कि कम हो गई हो शेयर कैपिटल, तो उसने क्या कर दिया, सीज कर दिया, 100 करोड़ से कम हो गए, ठीक है. तो उस केस में सॉरी पेड अप शेयर कैपिटल तो 10 है ना, 10 करोड़ से कम हो गए, है ना. तो उस केस में क्या हुआ, सीज हो गया. तो बिकॉज सीज हो गया तो फिर उस पर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं, ठीक है. तो फर्स्ट तो आपकी ये है, ठीक है, वो वाली कंडीशन है जो मैंने अभी बताई थी आपको. एंड ऑफकोर्स ये रिविजन है तो इतना तो आपको पता ही होगा ना, ये वाली कंडीशन है. फिर भी मैं क्लियरिफाई कर देती हूँ, ये वाली कंडीशन है POT 10-50-100, ठीक है. और ये वाली जो तीन है ना, ये कम्प्लीटली एग्जम्प्ट है, जॉइंट वेंचर, होली ओन सब्सिडरी और डोमेंट, JWD को कम्प्लीटली एग्जम्प्शन है फ्रॉम अपॉइंटिंग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है. तो इन्होंने यहाँ पे समरी चार्ट दे रखा है, लिस्टेड में 1/3, इन अनलिस्टेड में JWD को छोड़कर अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और एग्रीगेट, ठीक है. तो इसमें क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 होना चाहिए. अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर हमें तब रिक्वायर्ड नहीं है इफ कंपनी फुलफिल्स, कंपनी सीजेस टू फुलफिल एनी ऑफ द थ्री कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर और एग्रीगेट एंड डिपॉजिट फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स. आई गेस मैंने ये पॉइंट मिस कर दिया. 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का मतलब ये है कि सपोज मेरी इस साल पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, अब अगले 3 साल क्या हुआ, अगले साल भी 10 करोड़ से कम रही, उसके अगले साल भी, ऐसे करके 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स पे मेरी एक कंडीशन जो थी वो सीज हो ही जा रही थी, ठीक है. कोई भी एक कंडीशन मेरी सीज हो जा रही थी, एनी ऑफ द 3 कंडीशंस भी अगर सीज हो रही है फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार. अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन यहाँ ये आ सकता है कि सपोज ईयर नंबर 1 और 2 में तो वो कंटिन्यूसली सीज करा, पर ईयर नंबर 3 में फिर से वो उस कंडीशन में आ गया, मतलब कि POT वाली किसी भी कंडीशन में आ गया, तो फिर यहाँ कॉन्जिक्यूटिव नहीं मानेंगे. यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली इस टर्म को मेंशन किया है, कॉन्जिक्यूटिव. कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब हुआ लगातार, ठीक है. तो अगर लगातार उसने सीज किया है तभी वी विल एग्जाम्प्टेड, अदरवाइज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल, ठीक है. तो लगातार सीज होना चाहिए, लगातार 3 साल सीज होना चाहिए, वरना क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल, ठीक है. अब ये वाला जो है ना, ये सबसे बड़ा प्रोविजन है, तो इसलिए मैं इस पे 149 सेक्शन 7 से लेकर के 13 को कंप्लीट कर लूँ फिर आऊँगी, क्योंकि सबसे बड़ा है. एंड इसके लिए ना मुझको थोड़ा सा पेज पर ड्रॉ करना होगा, एंड प्लीज़ मुझको जज मत करना, आई एम यूजिंग माई लैपटॉप एंड मैंने अभी कोई प्रॉपर सेटअप तो ऐसे लगाया नहीं है, सो दैट इज़ वाई आई एम ड्रॉइंग ऑल दिस विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स. तो ऑफकोर्स ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा या, बट थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि उसको ड्रॉ कर दूँ, ठीक है. ओके, तो 149 सबसेक्शन 6 को फिलहाल के लिए मैंने होल्ड किया है, वी विल ऑफकोर्स कम्प्लीट इट, बट पहले हम लोग 149 सबसेक्शन 7 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बात करता है डिक्लेरेशन के बारे में. डिक्लेरेशन किस बात की, सुनो सुनो सुनो, मैं हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है. तो क्या वो करेगा, क्या वो डेली आएगा मीटिंग में और ये बोलता रहेगा सुनो 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 मैं हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. हाँ, बट ऑफकोर्स पता होना चाहिए कि कौन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, तो उसके लिए 3 केसेस में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डिक्लेरेशन होना चाहिए,
वो क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड जिसमें वो बंदा पहली पहली बार डायरेक्टर बन के आ रहा है। सेकेंड इज ये ना बहुत इजी सा है, जैसे स्कूल में आप जाते थे, न्यू स्कूल में सपोज आप गए तो ऑफकोर्स आप अपना इंट्रोडक्शन देते थे, इसी तरह से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं हूँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में जाते थे, ठीक है, प्रमोशन होता था तो फिर से एक पीरियड ऐसा होता था मैम बोलती थी एक क्लास में अपना इंट्रोडक्शन दो, छोटे क्लासेस में होता था। तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर है ना। थर्ड वाला हो गया वेन एवर देर इज एनी चेंज इन द सर्कमस्टांस विच मे अफेक्ट हिज स्टेटस एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो मतलब कि कुछ ऐसा सर्कमस्टांस आ गया अगर सपोज जिसमें कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का स्टेटस ही अफेक्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी उसको क्या करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हूँ, सो दैट वो उस जो भी उसके स्टेटस को अफेक्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर चीज़ से डील कर सके। ठीक है, तो आपका ये है। फिर उसके बाद में सबसेक्शन 8 जो है वो किसके बारे में बात करता है, सबसेक्शन 8 आपकी बात करता है, एक सेकेंड, रिकॉर्ड हो रहा है ना, मुझको यही डर रहता है कि रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, हो रहा है रिकॉर्ड, ठीक है। हाँ, सबसेक्शन 8 जो है वो बहुत सिंपल है। सबसेक्शन 8 सिंपली बोलता है कि जो भी आपके कंपनी और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं वो स्केड्यूल 4 को फॉलो करें। स्केड्यूल 4 किसका, कंपनीज एक्ट का। तो ये बात करता है आपका प्रोफेशनल कंडक्ट, रोल, फंक्शंस, ड्यूटीज, मैनर। तो सेक्शन 8 का आधा क्या होता है, 4। तो सेक्शन 8 बोलता है कि भाई स्केड्यूल 4 की सुन लिया करो। सबसेक्शन नंबर 9 क्या बोलता है, सबसेक्शन नंबर 9 बात करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या रेम्यूनरेशन मिलेगा। कोई भी फ्री में तो काम करने के लिए आता नहीं है, सबको पैसे चाहिए। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, इसलिए अभी हम उन्हीं की रेम्यूनरेशन के बारे में बात करेंगे। रेम्यूनरेशन एक फैंसी वर्ड है सैलरी का। तो उनको उनके काम के बदले में क्या क्या मिलना चाहिए, तो सबसे पहले तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ये बोल दिया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 197 और 198, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं आगे के चैप्टर्स में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कभी भी स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेंगे। उसको सिर्फ रेम्यूनरेशन मिल सकती है फीस की तरह, 197 सबसेक्शन 5, रीइंबर्समेंट जो भी उसके खर्चे हुए हैं मीटिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करने के, और जो भी प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन है जो मेंबर्स ने अप्रूव कर रखा है, सिर्फ उसको ये तीन चीज़ें मिलेंगी, उसको कोई स्टॉक ऑप्शन नहीं मिलेगा। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन एज मे बी अप्रूव्ड बाय दी मेंबर्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली जो सिटिंग फीस है वो ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मिलेगी, ठीक है। सिटिंग फीस रिक्वायर्ड टू बी पेड द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शिल नॉट बी लेस इन द सिटिंग फी विच इज पेबल टू अदर डायरेक्टर। अदर डायरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए उसकी सिटिंग फी। सिटिंग फीस मतलब मीटिंग्स अटेंड करने की फीस, ठीक है। अब वो चाहे खड़े होकर करे चाहे बैठ के करे, उसने अपना टाइम दिया, उसकी फीस को हम सिटिंग फीस कहते हैं, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट इफ द कंपनी हैज नो प्रॉफिट और द प्रॉफिट्स आर इन अडिक्वेट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मे रिसीव रेम्यूनरेशन एक्सक्लूसिव ऑफ एनी फीस पेबल अंडर 187 सबसेक्शन 5 इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ स्केड्यूल 5। ये आप लोग आगे के चैप्टर में डिस्कस करोगे, बट स्टिल उन्होंने यहाँ पे इसका एक इम्प्लीकेशन दे दिया है, एक नॉट इम्प्लीकेशन, उन्होंने इसका एक मेंशन कर दिया है इसको, कि अगर कंपनी के पास या तो प्रॉफिट ही नहीं है या इन अडिक्वेट प्रॉफिट है, तो ऐसे में उसको रेम्यूनरेशन मिलेगा, लेकिन उसको क्या, एक्सक्लूसिव ऑफ एनी फीस पेबल। उसको कोई ऐसा नहीं होगा कि फीस जो है वो मतलब पेबल होगी, एक्सक्लूसिव ऑफ एनी फीस पेबल अंडर सेक्शन सबसेक्शन 187। बेसिकली आपको जो स्केड्यूल 5 है उसके अकॉर्डिंग रेम्यूनरेशन मिलेगा इसमें, ठीक है। तो जब वो आएगा तब बात कर लेंगे, अब इसकी बात नहीं करते। फिर उसके बाद में सबसेक्शन 10 और 11 बात करते हैं आपकी टेन्योर की। टेन्योर का मतलब कितने टाइम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेगा। तो वो लाइफ टाइम नहीं रह सकता है, उसके पास में टाइम होता है अप टू 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं अप टू 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। वो एलिजिबल होता है रीअपॉइंटमेंट के, लेकिन एक टेन्योर जो है वो उसका 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का होता है। अब दैट मीन्स अप टू 5, एक टेन्योर 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का, एक टेन्योर 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का। मैं आगे पढ़ती हूँ फिर आपको बताती हूँ उसे। वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल भी है, लेकिन इसमें इन्होंने एक चीज़ और बोल दी कि 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से ज़्यादा वो रीअपॉइंट भी नहीं हो सकता है। रीअपॉइंट कैसे होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन से होगा।
और अगर उसको अगर हमें हटाना है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे कूलिंग पीरियड जो है वो 3 साल का है, मतलब 3 साल जब एक्सपायर हो जाएंगे तो वो फिर से 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। इन्होंने बोला कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास 2 टर्म्स होंगे, 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, मतलब कॉन्सिक्यूटिव का मतलब हुआ लगातार, एक टर्म खत्म हुआ दूसरा टर्म शुरू हो गया, बीच में कुछ गैप नहीं हुआ, आज खत्म हुआ कल दूसरा शुरू हो गया, 2 टर्म ऐसे हैं। अब इन्होंने एक चीज़ और बोली है कि जो टर्म है ना उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है, दैट मीन्स वो एक टेन्योर जो है, एक टर्म जो है वो 5 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मिस्टर ए हैं, सपोज हमारे केस में कोई मिस्टर ए हैं, वो बोलते हैं कि मेरा पहला टर्म जो है वो 3 साल का है और मेरा जो दूसरा टर्म है वो 5 साल का है, तो अब मैं 2 साल और रह लेता हूँ, तो इट इज़ नॉट अलाउड। उनका कूलिंग पीरियड इस टर्म के खत्म होने के बाद से स्टार्ट हो जाएगा, बेटा आना तुम 3 साल के बाद। ऐसा क्यों, यहाँ पे दिया है मैक्सिमम टर्म, दैट मीन्स यहाँ पे जो कंडीशन है वो मैक्सिमम है, इन्होंने बोला है मैक्सिमम, मैक्सिमम 5 साल, मैक्सिमम से कम भी हो सकता है, मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल, उससे कम हो तो ठीक है, लेकिन 2 टर्म ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा रिअपॉइंटमेंट नहीं, अगर दो उससे बाद में भी रिअपॉइंट होना है तो आना 3 साल के बाद कूलिंग पीरियड अपना पूरा करके, ठीक है। इट इज़ क्लैरिफाइड एनी टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट शिल नॉट बी काउंटेड एज टर्म अंडर दोज सबसेक्शंस। तो यहाँ पे इन्होंने उसी चीज़ को बोला है, इसको आई विल नॉट रिपीटेड। फिर उसके बाद में सबसेक्शन 12 बात करता है आपका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो क्या है, लायबल किस केस में हो सकते हैं, वो लायबल उस केस में होंगे जैसे कि मैंने बताया भी था कि अगर कोई भी एक्ट और ओमिशन हुआ है, एक्ट ऑफ ओमिशन हुआ है और कंपनी कमीशन हुआ है बाय द कंपनी जो कि उनकी नॉलेज में हुआ, मतलब कंपनी ने या तो किसी को कुछ फालतू दिया या फिर कंपनी ने कुछ ऐसा ओमिशन करा, ठीक है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो क्या है, नॉट बीइंग प्रमोटर और की मैनेजरियल पर्सनल, मतलब ना तो वो प्रमोटर है ना वो की मैनेजरियल पर्सनल है, बट फिर भी वो लायबल कब होंगे, अगर एक तो एक्ट हुआ है, कोई ओमिशन हुआ है या कमीशन हुआ है उनकी नॉलेज में, ठीक है, एट्रिब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस, उनकी कंसेंट के साथ में हुआ है और उन्होंने उस पर उनका छोड़ो, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, डिलीजेंटली उसे एक्ट ही नहीं किया, तो इस केस में वो लायबल होंगे। क्या क्या 3 कंडीशंस हैं, ओमिशन और कमिशन विच हैज अकर्ड विद हिज नॉलेज, एट्रिब्यूटेबल थ्रू बोर्ड प्रोसेस विद हिज कंसेंट और हैज नॉट एक्टेड डिलीजेंटली, ठीक है। फिर 13 बात करता है रोटेशन की, रोटेशन जो है वो 152, तो इन्होंने सिंपली ये बोला है जो प्रोविजंस है रिटायरमेंट के जो कि डिस्क्राइब है सेक्शन नंबर 152 के सबसेक्शन 6 और 7 में, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पे एप्लीकेबल नहीं है। अब दिस कैन अगेन बी अ क्वेश्चन कि आपकी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उनमें और नॉमिनी डायरेक्टर्स में क्या फ़र्क है, तो उनमें और नॉमिनी डायरेक्टर्स में क्या फ़र्क है, नॉमिनी डायरेक्टर भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो उनको पूरा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बता देता है, बना देता है। जो नॉमिनी डायरेक्टर है वो ही इज अपॉइंटेड टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू विच इट बिलोंग्स, मतलब नॉमिनी डायरेक्टर जो है ना वो ज़रूरी नहीं है बनाना, एक तो कंपलसरी नहीं होता, सेकेंडली जो नॉमिनी डायरेक्टर होता है वो होता तो कंपनी के लिए ही है, सेफगार्ड करने के लिए होता है कंपनी का इंटरेस्ट, लेकिन वो एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए होता है। ज़्यादा केसेस में अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कंपनी ने कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस ली है, मतलब कि हेल्प ली है, उस केस में नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो उसका रोल आता है, ठीक है। तो जो नॉमिनी डायरेक्टर है इज अपॉइंटमेंट ट्रिगर्स फ्रॉम द फैक्ट कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसने कुछ हेल्प दी है कंपनी को, एंड ही रिमेन्स इन द बोर्ड टिल द लोन ऑफ अमाउंट इज रीपेड सैटिस्फैक्टरीली, मतलब कंपनी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सपोज कोई लोन लिया है तो जब तक कि या कोई भी तरह की हेल्प ली है तो जब तक वो रीपे नहीं हो जाती तब तक नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो रहता है। नॉमिनी डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो तभी मैंडेटरी होता है अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा चाहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई असिस्टेंस लिए, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट ने किसी केस में
ऐसी रिक्वायरमेंट रखी है कि उनको नॉमिनी डायरेक्टर चाहिए। उसी केस में होता है नॉमिनी डायरेक्टर वैसे कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो कंपलसरी होता है। वो तो मैंने आपको कंडीशंस भी बताई, लिस्टेड अनलिस्टेड वाली, ठीक है। ही इज अपॉइंटेड टू प्रमोट द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टिंग बॉडीज, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। इनफैक्ट जो कंपनीज हैं जिसमें की अपॉइंटमेंट कंपलसरी है आर मच लार्जर देन द अदर कंपनीज, दे मस्ट बी ऑलवेज बी वेल मैनेज्ड। जो अपॉइंटमेंट है वो रोबस्ट स्टेप होता है इस डायरेक्शन में कि वो वेल मैनेज करने में भी हेल्प करता है, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस देता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हैं वो इंडिपेंडेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर कोई उसकी नॉलेज में, अगेन वो सब रिपीटेड है कि कुछ कुछ उसकी नॉलेज में ऐसा आता है जो कंपनी के लिए नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो एक्शन ले सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो एटलीस्ट वन मीटिंग करते हैं फाइनेंशियल ईयर में जिसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉट अलाउड, ठीक है। अब इसके इन्होंने क्या किया है ना, इन्होंने एक पैराग्राफ में ये बता दिया कि सेक्शन 8 जो है, सेक्शन 8 कंपनीज को एग्जम्पशंस कब कब मिली हुई है, किन किन सबसेक्शन से मिली हुई है। तो वो जो है ना, इसमें भी फिर से जहाँ पे भी सेक्शन 8 आया ना, 192 और 137 याद रखना, मतलब कि 132 में फाइलिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फाइलिंग कर रखी है, और 92 के हिसाब से एनुअल रिटर्न की फाइलिंग अगर कर रखी है तभी एग्जम्पशंस अलाउड है। तो कौन कौन से हैं वो, 4 to 11, फिर जो आपका सबसेक्शन 12 है उसका पार्ट नंबर 1, और सबसेक्शन 13, ठीक है। तो इन केसेस में क्या है, इन केसेस में आपके सेक्शन 8 वाला एप्लीकेबल नहीं है। पार्ट नंबर 1 में था आपका उसके बारे में ना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, इसलिए यहाँ पे इन्होंने पार्ट 1 दिया है। तो 4 to 11 में सेक्शन 8 एप्लीकेबल नहीं है, और सबसेक्शन 13 में एप्लीकेबल नहीं है, और आपका 12 के पार्ट नंबर 1 में, ठीक है, तो इसमें वो नॉट एप्लीकेबल है, ओके। अब हम आ जाते हैं अपने सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6 पे। तो ये बात करता है आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन हो सकता है। अभी तक इतनी देर से आप लोगों ने ये देख लिया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होता है, मतलब कब होता है, क्यों होता है, कितना उसको रिमुनरेशन मिलता है, कब जाना होता है, लेकिन ये हो कौन सकता है ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। तो ये क्योंकि थोड़ा सा ब्रॉड है। अब वो ब्रॉड कैसे है, ये 3 कंडीशंस में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। डोंट सेव, मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। मिस्टर ए आए हैं मेरे पास में, उनसे बोल रहे हैं सौम्या मेरे को डायरेक्टर बनना है, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने पढ़ा है सेक्शन नंबर 149 सबसेक्शन 6, और मुझे कंडीशंस देखनी पड़ेंगी 3, तब तो आपको मैं डायरेक्टर बनने दूंगी, वरना आप डायरेक्टर नहीं बन सकते हो। उन्होंने कहा क्या कंडीशन, तो मैंने कहा देखो पहली वाली जो कंडीशन है ना वो तो आप की देखूंगी मैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उसमें फॉल कर रहे हो। सेकेंड वाला आपके रिलेटिव, रिश्तेदार, आपके मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे, ठीक है। और थर्ड देखूंगी ना तो आप इंडिविजुअल और ना ही इंडिविजुअल के रिलेटिव। तो उन्होंने बोला ठीक है सबसे पहले मेरी बात कर लेते हैं, तो क्या क्या कंडीशन देखोगे मेरे लिए। तो मैं कहूंगी देखो जी, सबसे पहली बात तो हमें चाहिए ईमानदारी, ठीक है। तो अगर आप पे रेलिवेंट एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस हो तो आना। और दूसरी चीज इंटीग्रिटी, भाई ईमानदार इंसान चाहिए, बेईमान इंसान नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और ये दोनों ही कंडीशंस जो बोर्ड है ना, जिसमें आप जैसे ही कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी बैठे हैं, अगर उनकी ओपिनियन में आप ईमानदार हो, उनकी ओपिनियन में आपकी आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है, तब तो आप बन सकते हो, वरना नॉट पॉसिबल, ठीक है। सेकेंड चीज़ देखूंगी मैं कि कहीं आप प्रमोटर तो नहीं हो। अब ये आए थे एस लिमिटेड में, ठीक है। अब एस लिमिटेड के पास में एसोसिएट भी है,
सब्सिडरी भी है और एस लिमिटेड की एक होल्डिंग भी है, तो उसको हम बोलते हैं ऐश। ठीक है, तो मैं ये चीज़ चेक करूँगी कि जो मिस्टर ए है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि एस लिमिटेड में या फिर उसकी ऐश में प्रमोटर है। चलो प्रमोटर नहीं है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रमोटर से रिलेटेड है। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं प्रमोटर से रिलेटेड है या डायरेक्टर से रिलेटेड है। जो मेरी कंपनी में बाकी के डायरेक्टर्स हैं कहीं उनसे रिलेटेड तो नहीं हो आप किसी तरह, तो ये भी मैं देखूंगी। ठीक है, थर्ड चीज़ मैं देखूंगी पिक्यूनरी रिलेशनशिप। भाई बहुत ही बुरी दुनिया है, पैसे के लिए कोई कुछ भी कर लेता है आजकल। सो दैट इज़ वाई ये चीज़ मुझे चेक करनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं है ऑलरेडी आपका कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप है कंपनी के साथ में, या फिर कंपनी की ऐश के साथ में, या फिर कंपनी के प्रमोटर के साथ में, या फिर कंपनी के डायरेक्टर के साथ में। तो उन्होंने मुझसे बोला, अरे था मेरा मेरा आपकी कंपनी के साथ में कुछ साल पहले एक पिक्यूनरी रिलेशनशिप था, पैसे का लेना देना था। तो मैंने कहा कितने साल पहले? उन्होंने मुझसे बोला 5 साल पहले। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मेरे को जो मतलब है ना वो 2 फाइनेंशियल ईयर से मतलब है, और प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर बेसिकली, और इस साल से मतलब है। ठीक है, तो इस साल में या पिछले 2 सालों में कोई भी आपका मेरी कंपनी के साथ में, मेरी कंपनी की ऐश के साथ में, या प्रमोटर के साथ में, या डायरेक्टर के साथ में कोई भी पिक्योनरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये वाली जो कंडीशन है ना, ये फिर से एप्लीकेबल नहीं है किसको, ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है गवर्नमेंट कंपनी को। और सेक्शन 8 तो मैंने बताया है कि 4 और 4 to 11 सेक्शन 8 कंपनीज को एप्लीकेबल नहीं है, और यहाँ पे भी गवर्नमेंट कंपनीज में यही कंडीशन है। ये सिर्फ इस वाली कंडीशन की बात हो रही है, पिक्योनरी वाली की। ठीक है, तो गवर्नमेंट में भी ये है कि गवर्नमेंट कंपनीज ने भी सेक्शन नंबर 137 और सेक्शन नंबर 192 के साथ में, 137 और 92 के साथ में कंप्लाई करा हो। ठीक है, तो ये जो पिक्योनरी रिलेशनशिप है ये नहीं होना चाहिए। तो मिस्टर ये बोले, भाई मेरे माथे पे कुछ लिखा है क्या? तुम मुझे पैसे ही नहीं दोगे, इसका मतलब तो तुम तो ये बोल रही हो कि पिक्योनरी रिलेशनशिप ही नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला नहीं, इसमें ना 3 कंडीशन है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होगा। ऑफ कोर्स आपको आपकी रेम्यूनरेशन तो मिलेगी ही भाई, यू डिजर्व इट, आप काम करोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का तो रेम्यूनरेशन आपको बिंदास मिलेगी। और मैंने बोला चलो ठीक है, मुझको थोड़े भले इंसान लग रहे थे मतलब मुझको नहीं लॉ मेकर को, तो उन्होंने एग्जेम्पशंस भी दी है कि आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जो आ रहा है बंदा, जो इंडिविजुअल आ रहा है, वो कंपनी के साथ में, उसकी ऐश के साथ में, या प्रमोटर और डायरेक्टर के साथ में ट्रांजेक्शन कर सकता है, लेकिन 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10% किसका? टोटल इनकम का। टोटल इनकम किसकी? कंपनी की? नहीं, मिस्टर ए की। ठीक है, सपोज मिस्टर ए कमाते हैं 10 लाख रुपए। ठीक है, तो 1 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए मिस्टर ए का, या तो मेरी कंपनी के साथ में, या फिर उसकी ऐश के साथ में, या फिर प्रमोटर के साथ में, या फिर डायरेक्टर के साथ में का करंट ईयर में और 2FY में। ठीक है, फिर उसके बाद में थर्ड कंडीशन जो है वो ये जो ट्रांजेक्शन है ना, ये भी आर्म्स लेंथ प्राइस में होना चाहिए, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। ये जो है ये आर्म्स लेंथ प्राइस में होना चाहिए और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया था इंटीग्रिटी, एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस। ठीक है, सेकेंड चीज़ मैंने आपको बताई प्रमोटर और नॉट रिलेटेड टू प्रमोटर और डायरेक्टर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया पिक्यूनरी वाला। ठीक है ना, ये वाला पार्ट ना मैं ये यहीं अभी एंड कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, कहीं अपलोड होने में दिक्कत ना करे, इसलिए मैं ये पार्ट यहीं एंड करती हूँ। हम लोग 149 सबसेक्शन 6 ही नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके सर, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर एंड होप दैट आपको मज़ा आया।
तो अभी मैं ये ऑफ कोर्स ये तीनों सेक्शंस कंप्लीट करके ही एंड दोनों पार्ट अपलोड कर दूंगी, ठीक है? ओके।